देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 18 अगस्त 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 17 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं, 22 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 179 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में आज कोरोना वायरस के 547 नए मामले सामने आए हैं, 637 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 9736 हैं। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 15 नए कोविड-19 मामले, 20 रिकवरी और एक मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामले 660 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 22 नए कोरोना मामले, 18 रिकवरी, 2 मौतें दर्ज की गई हैं, सक्रिय मामले 666 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 417 नए मामले सामने आए हैं, 569 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान 2 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 6939 हैं। नंबर छह, आसाम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 741 नए मामले, 1012 डिस्चार्ज और 11 मौतें रिपोर्ट हुई हैं, सक्रिय मामलों की संख्या 7425 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1298 नए मामले सामने आए हैं, 1833 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 32 लोगों की मृत्यु हुई है, सक्रिय मामले 21481 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 31 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 41 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 330 है। नंबर 9, तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 1804 नए मामले सामने आए हैं, 1917 लोग ठीक हुए हैं और 32 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामलों की संख्या 20225 है। नंबर 10, पांडिचेरी में आज 60 नए कोरोना के मामले, कोई भी मौत नहीं, 96 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामलों की संख्या 856 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना में 103 लोग ठीक हुए हैं और एक मौत हुई है, सक्रिय मामले 884 है। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1063 नए मामले सामने आए हैं, 1929 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 16341 हैं। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 23 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 1079 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12294 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 18542 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 142 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 172239 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 11 नए कोरोना संक्रमण के मामले, मौतें कोई भी नहीं, 10 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 95 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 15 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, 33 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से एक मौत हुई है, सक्रिय मामले 217 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 300 नए मामले सामने आए हैं, 284 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान 6 मरीजों की मृत्यु, सक्रिय मामले 2705 हैं। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 403 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 946 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 6 लोगों की मृत्यु की गई है, सक्रिय मामले 5721 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 21 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, 30 लोगों की कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 203 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 720 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1167 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 68 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 9672 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 132 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 172 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 497 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4408 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 116 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है और 5424 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, सक्रिय मामलों की संख्या 61306 है। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में आज 27 नए कोरोना संक्रमण के मामले, 24 डिस्चार्ज और एक मौत दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 420 हैं। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 38 नए मामले सामने आए हैं, 3 रिकवरी हुई है, कोरोना से 4 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामले 471 रह गए हैं। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 165 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 249 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 1836 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 56 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 156 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 1037 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 83 नए कोरोना के मामले, 153 रिकवरी और एक मौत दर्ज की गई है, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1158 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 252 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 417 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, सक्रिय मामले 3591 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 639 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 711 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 8808 हैं। तो ये थे आपके राज्यों की 24 घंटे की कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।